फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में वापस एक और ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि क्या करूँ, आजकल कुछ काम होता नहीं बॉडी में ऐसा। और क्या करने वाली पूरा दिन, देखती हूँ क्या करने वाली हूँ, क्योंकि आज फिर मेरा ऑफ है, क्योंकि ऑफ वाले दिन ही मुझे वीडियो बनाने का मौका मिलता है इस वजह से। और मैं मॉर्निंग में उठ चुकी थी, बहुत देर हो चुकी है मुझे, अप्रॉक्स 1 आवर सुबह हो चुका है, और फ्रेशन अप वगैरह हो गई हूँ। अभी ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, मैं आज बनाने वाली हूँ सूजी के चीले। और मेरे फ़ोन में क्या बैटरी नहीं रहती है, मेरा फ़ोन क्या 5G कर दिया ना मेरे हस्बैंड ने कन्वर्ट, तो रात भर वो मेरे फ़ोन का यूज़ करते रहते हैं, ताकि इसमें, क्योंकि नेट तो अनलिमिटेड आ जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है इस वजह से। तो यहाँ पे तो बस अभी करूँगी मैं यहाँ पे, और अभी मैं लेके आई हूँ यहाँ पर नारियल पानी, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। मैं इंजॉय करूँगी अपना नारियल पानी। तो कुछ कुछ नारियल पानी तो इतने अच्छे आ जाते हैं ना, कुछ कुछ तो नहीं आते इतने अच्छे जिनका टेस्ट, और मुझे नारियल पानी ना स्टार्टिंग से पसंद नहीं है, लेकिन अभी पीना पड़ता है। खैर, और फिलहाल क्या करने वाली हूँ, हाँ नाश्ता करूँगी, थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, फ़ोन को पहले चार्ज कर लेती हूँ। मैं उनको बोल बोल के थक गई हूँ, मेरे फ़ोन को मत छोड़ दिया करो। और बस अभी फिलहाल मैं नारियल पानी पी के नहा के फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता, दूध गर्म हो चुका था, दूध ठंडा भी हो गया, मैं फ्रिज में रखूँगी इसको, और मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ सूजी के चीले, और पेस्ट मैंने पहले तैयार कर दिया था। तो मेरा पेस्ट यहाँ पे तैयार हो चुका अच्छा खासा, थोड़ा मैं इसमें धनिया डाल दूंगी, सेट हो गया फिलहाल, मैंने डाल दिया थोड़ा धनिया इसमें, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और बस मैं बनाती हूँ इसको, थोड़ा सा परफेक्ट, ओके, थोड़ा गर्म कर लेती हूँ, थोड़ा मेल्ट हो जाएगा इसलिए। अब हम बनाएंगे चीले, सूजी के चीले नाश्ते के लिए, भूख लग रही है मुझे बहुत भयंकर वाली, भूख जल्दी जल्दी बन जाए। ओके, घी भी हमारा गर्म हो गया है, और थोड़ा इसको फैला लेंगे तवे पे, और अच्छा खासा थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था कि थोड़ा और पतला हो जाए, मतलब ज़्यादा पतला नहीं करना है ये इसकी। ओके, बोलिए मैं नमक टेस्ट कर सकूँ, गैस को मैं थोड़ा कम कर दूँगी, उसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा दूँगी मैं, और इसको फोल्ड कर दूँगी, और देखते हैं बनते हैं, बनाते हैं फिर खाती हूँ। अभी मैं दूसरा बना रही हूँ, जो थोड़ा नमक कम लगा तो मैंने थोड़ा नमक डाल दिया इसमें, पलट जा ऐसे करके। मैं दो बनाऊंगी और बस मेरा ब्रेकफास्ट करूंगी मैं। इसे मैंने टेस्ट किया, थोड़ा मुझे नमक कम लगा, तो इसलिए मैंने नमक थोड़ा मिला दिया इसके अंदर ही, बस एक और बन जाएगा इनफ फॉर मी। ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, इसको चार के साथ खाना चाहते हो चार साथ खा सकते हो। यहाँ पे मैं खाने वाली हूँ, टमाटर है, प्याज है इसके अंदर, और धनिया है, सब कुछ मिर्च है, और मैं इसको प्लेन खाती हुई, मुझे प्लेन पसंद है इस वजह से। केचप के साथ खा सकती हूँ, केचप के साथ आपको पसंद है तो, बट मैं यहाँ पे अभी केचप नहीं खाऊंगी, मैं प्लेन खाने वाली हूँ। यहाँ पे मेरा बन चुका है, पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। आज भिंडी की सब्जी, प्याज वाली भिंडी, जो कि मैंने मेरी दीदी से सीखा था। तो एक तरफ सब्जी बनाऊंगी और एक तरफ बनाने वाली हूँ मैं भिंडी। तो प्याज मैंने कट करके रख लिया और भिंडी भी मैंने कट कर ली है, और थोड़ी सी भिंडी बनाने वाली हूँ, क्योंकि हस्बैंड पहले टिफिन ले जा चुके हैं पत्ता गोभी और पराठों के साथ में, तो पराठे ऑलरेडी
बन चुके हैं, तो मैं पराठे तो अभी खाऊंगी नहीं, सिर्फ अपने एक्स्ट्रा रोटी बनाऊंगी। तो अभी फ्रीज से आटा निकाल दिया है, अब बस रोटियां सेकूंगी। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए लंच, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, सूजी के चीले मैंने खा लिए थे और वो बहुत ही टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर मैंने बनाई है प्याज वाली भिंडी, और साथ में मैं बना रही हूँ, यहाँ पर एक तरफ मेरी सब्जी बन रही है और दूसरी साइड में मैं यहाँ पर बनाऊँगी रोटियाँ, गरम गरम रोटियाँ, और नाश्ता लंच करूँगी। दोपहर का टाइम हो चुका है और बस खाना वाना बन के सब्जी छौंक चुकी हूँ मैं यहाँ पे, और मसाले करना। और आप में से कितनों को यहाँ पे, क्योंकि कई कई यहाँ पे जैसे लाइक मैं गुजरात में आई तो पहली बार मैंने भिंडी आलू की सब्ज़ी पहली बार टेस्ट की थी, और मुझे भिंडी आलू बिल्कुल पसंद नहीं, या तो मुझे मिर्ची वो भिंडी में तो अच्छी लगती है, बट भिंडी आलू, या तो इससे तो अच्छा आलू अलग बना लूँ और भिंडी अलग बना लूँ वो ज़्यादा बेटर है, या फिर मैंने प्याज वाली भिंडी जो मेरी सिस्टर से मैंने सीखा था तो मैंने आज वही बनाई है प्याज वाली भिंडी, एंड मुझे वो बहुत पसंद है, और उसका जो टेस्ट होता है ना प्याज के साथ में वो बहुत मतलब टेस्टी हो जाता है। तो आप लोग यदि प्याज वाली भिंडी बनाते हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, और आपको पसंद है कि नहीं ये भी बताना। बट मुझे भिंडी आलू तो बिल्कुल पसंद नहीं, इससे तो अच्छा प्लेन भिंडी बना लो उसमें मिर्च डाल के, वो भी चलेगा। तो फिर यहाँ पे बस सब्ज़ी मेरी यहाँ पे छुक रही है, यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह छौंकी, और दिन ऐसे होता है कि ऐसे निकल जाता है। यदि आपको जैसे मेरा को सेकंड सैटरडे ऑफ और फिर संडे ऑफ मिल जाता है 2 दिन कंटिन्यूस, तो पूरा रेस्ट कर लेती हूँ मैं, और जाना भी आजकल बाहर कम होता है, और जस्ट यहाँ पे बस खाना वाना पक जाएगा मेरा, और यहाँ पे मैं सब्ज़ी को छौंक के उसको ढक के रख दूँगी। बस मैं हल्का थोड़ा बहुत हल्का सा पानी छेक डाल देती हूँ ताकि जिससे वो हल्का वो चिपके नहीं, और यहाँ पे बस मैं रोटियाँ बना लूँगी साइड में। और ये मैंने वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया है तो यहाँ पे मेरी स्पीड दिख रही होगी, बट इस स्पीड से मैं इतना खाना नहीं बना पाती, मुझे टाइम लगता है। और बस यहाँ पर मेरा खाना वाना बन जाएगा, मैं लंच को इन्जॉय करूँगी। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी लाइफ कैसी चल रही है, ऑल गुड, और आपका जो वीकेंड होता है वो कैसा जाता है, लाइक जैसे जो जैसे लेडीज होते हैं उनका तो ऐसा होता है कि जो वो पूरा जो पेंडिंग काम्स होते हैं उसी में ही चला जाता है, बट हम लोगों का ऐसा होता है कि जैसे होता है, और स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि वो बस घूमने फिरने में थोड़ा बस अपना प्रोजेक्ट वगैरह कर लेते हैं या फिर जो भी होता है वो, और बच्चे वगैरह ऐसे होते हैं कि उनका पता नहीं चलता है और मस्ती वस्ती में चलाता है। जैसे मेरी गली के उनका स्कूल का ऑफ होगा, पूरी गली में इतना आवाज़ आता है, इतना आवाज़ आता है पूछो ही मत। और बस मैं यहाँ पे रोटियाँ वोटियाँ बना के लंच वंच करूँगी, इन्जॉय करूँगी। यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन जाएगी, उसके बाद रोटियों पे मैंने घी लगाती जा रही हूँ, और बस अब मैं खाना इन्जॉय करूँगी। और भिंडी की सब्जी और रोटी रेडी है, मैं लंच करके आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, बस कि अब लग चुकी है मुझे भूख। और मैं अभी लंच कर लेती हूँ, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। मुझे प्याज वाली भिंडी है ना मेरी दीदी ने सिखाई है, मेरी मम्मी से मैंने मिर्ची और जो प्याज मिर्ची और जो भिंडी बनती मैंने वो सीखी थी, पर मेरी सिस्टर से मैंने प्याज वाली भिंडी सीखी और मुझे इतनी पसंद है मैं अक्सर वही बनाती हूँ प्याज वाली भिंडी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्याज को लंबा लंबा काटना है, उसको पहले भूनना है, भिंडी रखना है, और सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, माइंड ब्लोइंग। आज मैं सुबह चले गए थे 8 बजे, तब तक मेरा नाश्ता भी नहीं हुआ था, तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी, और रात के छोले बनाए थे रात को मैंने, तो छोले की सब्ज़ी और पराठे खा के चले गए थे वो, और पत्ता गोभी की सब्ज़ी और पराठे, वो भी लंच कर लिया होगा उन्होंने अभी आफ्टर लंच। उसके बाद में मैं सो गई थी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।